विदामः शक्यः पशूनन विवसय तोर्वियस्यैः भक्तं ब्रजेश सुतियोरनु वेणु दुष्टम् कैर्वाणि पीत मनोरक्त कटाक्ष मोक्षम। कहते सखी आखिन को फल एक सही सुंदर छविधा में विलोकन को अक्षण्णताम फलविदम। आंखों का अक्षण्ण फल यही है कि नटनागर मुरली मनोहर श्याम सुंदर का दर्शन किया जाए। जब वो बांसुरी बजाते हैं तो जमुना का जल स्तब्ध हो जाता है, पत्थर की तरह ठहर जाता है। जब वो बांसुरी बजाते हैं तो पत्थर की तरह जो गिरिराज है उनमें झरने फूट जाते हैं। जो चेतन कहूं जड़ करे और जड़े करे चेतन अस समर्थ रघुनाय कहे। ऐसे मेरे गोविंद हैं। तो महाराज जब वो बांसुरी बजाते हैं कहा ये बांसुरी नहीं बजा रहे हैं, ये भगवान शंकर की आराधना कर रहे हैं। त्रेता में भगवान राम को प्राप्त करने के लिए सीता ने गौरी का पूजन किया था और ये द्वापर में राधा को प्राप्त करने के लिए गोविंद भगवान शंकर जी का पूजन कर रहे हैं। वो कैसे का ये जो बांसुरी है ना बांस की बनी हुई है। और रुद्र यामल को उपनिषद में लिखते हैं वंशस्तु भगवान रुद्रः, बांस भगवान रुद्र ही तो है। इसलिए ये बांसुरी और कोई नहीं साक्षात भगवान शिव है। जब ये ब्राह्मण लोग किसी देवता का पूजन करते हैं तो श्रेष्ठ मंत्र का उच्चारण करने के बाद में आश्रम समर्पयामी कहकर के पुष्प रखते हैं। पुष्प क्यों? क्योंकि पुष्प अत्यंत सुकोमलता का प्रतीक माना जाता है। गोविंद भी भगवान शिव का आवाहन करते हैं अनुष्ठान करने के लिए तो कहते हैं मैं आपको फूल कहां से लाऊं, आप मेरे सुकोमल अधरोष्टों पर पधार जाओ। और इस प्रकार से बांसुरी के रूप में भगवान शिव को अपने अधरोष्टों पर पधराते और फिर कहते हैं छत्र धारण कराया जाता है देवता के ऊपर। तो बरहा पीडम नटवर वकु, ये जो मोर का पंख है ऐसा प्रतीत होता है मानो कि बांसुरी रूपी शिव के ऊपर उन्होंने छत्र लगा दिया है। फिर चमर भी डुलाई जाती है। चमर कैसे है? तो कहते हैं कि ये जो दो कानों में कुंडल है कि भगवान कृष्ण वो कुंडल हिला रहे हैं। वराहा शंकर जी के जब सुकोमल अंगली दलों के माध्यम से बांसुरी के छिद्रों पर जब उंगलियां चलाते हैं ऐसा प्रतीत होता है मानो कि आशुतोष ऑर्डर दानी बाबा विश्वनाथ जी के चरणों को दबा रहे हैं। और फिर कुहक की आवाज जब करते हैं तो उससे ऐसा प्रतीत होता है मानो कि वो शंकर जी को पुकार करके कह रहे हैं वृषभानुजा क्षमाम देगी, हे बाबा विश्वनाथ जी वृषभानुजा को आप मुझे दे दो। और ये बांसुरी की आवाज राधा रानी जी तक पहुंच जाती है बरसाने में।